नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी बातों में आज आपके समक्ष मैं लेके प्रस्तुत हुई हूँ अमृत धारा के लाभ। आप मेरे चैनल पूनम जोशी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अमृत धारा एक ऐसी औषधि है जो सैकड़ों साल से हमारी दादी नानियाँ हमको देती चली आ रही हैं, लेकिन अब घरों में हमारे रखी हैं, पढ़ के सूख गई हैं पड़ी पड़ी, या उनकी शीशियां बच रही होंगी, लेकिन हमने उन्हें काम में लेना ही बंद कर दिया है। पुरानी दवाइयों को, पुराने ज़माने की जितनी भी दवाएं थी वो सोच समझ के दादी नानियां हमें देती थी, और वो हाथों हाथ हमें फ़ायदा मिलता था, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। फिटकड़ी है, सुहागा है, अमृत धारा है, और ये छोटी मोटी हर्डे है, ये छोटी छोटी दवाइयाँ बड़े भारी गुण रखती हैं, बहुत भारी असर करती हैं, लाभ करती है, और साइड इफ़ेक्ट के नाम पे कुछ भी नहीं। कोई दवाई आप लेके देख लो, उसका इन इन घरेलू औषधियों का कभी भी ज़्यादातर आप लेके देखिए, उसी वक्त आपको फ़ायदा मिलेगा और नुकसान तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी। आप आज मैं आपको उसी क्रमांक में आपके समक्ष अमृत धारा के लाभ, उसके गुण और उसकी आपको गुणवत्ता बताऊंगी, ताकि आप उसे फिर से याद करके अपने ज़िंदगी में शामिल करें। अपने घर में छोटे बच्चे, उनको भी ज़रूरत है अमृत धारा की, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी। ये निरामय औषधि है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। गर्मी में, भयंकर गर्मी में लू लग जाती है किसी को भी, उसको प्याज के रस में 7-8 बूंद मिला के दे दें, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। चक्कर आ रहे हैं, फिर उसको 7-8 बूंद किसी भी रस में मिला के, मलाई में मिला के, इसको अमृत धारा को फलों के रस में मिला के दे सकते हैं, मलाई में मिला के दे सकते हैं, चीनी में डाल के दे सकते हैं, 7-8 बूंद पताशे में डाल के दे सकते हैं, 7-8 बूंद पानी में डाल के दे सकते हैं, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, जिसके साथ भी आप ये जिसमें मिलाएंगे, ये जाके फौरन वैसा ही असर करेगी। आपको भयंकर दस्त लग रहे हैं, डॉक्टर के जाने की नौबत आ रही है, आप सोच रहे हैं वो ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ नहीं करवाना पड़ता। आप फटाफट अमृत धारा डालिए, अगर घर में अदरक उपलब्ध है तो अदरक का रस में मिला के दे दीजिए, 10 मिनट बाद फिर दीजिए, 10 मिनट बाद फिर, देते रहिए, नुकसान तो है नहीं इसका कुछ। और ये अंदर जाके इतने, जब भयंकर दस्त लग जाते हैं तो अंदर मरोड़े उठने लग जाते हैं, पेट में दर्द भयंकर ऐसे आटे उठते हैं कि आदमी दोहरा हो जाता है, दर्द के कारण पेट पकड़ लेता है। जैसे ही ये अंदर जाती है तो पता नहीं क्या इसमें ऐसा गुण है, ये उन जख्मों पे या उस अंदर जो दस्तों के कारण सूजन हो जाती है या कोई जख्म, मुझे नहीं पता अंदर क्या परेशानी होती है, हम देख थोड़ी पाते हैं, लेकिन वहाँ जाके ये उसे जैसे ही उन पे लगती है और उन अंदर जाके जैसे ही हम इसको थोड़ी देर इसका असर देखते हैं, वो दर्द, वो मरोड़े, वो अपने आप बिल्कुल शांत होने लग जाते। आपको खाना नहीं हजम हो रहा है, पताशे में डालिए ले लीजिए, पानी में डालिए ले लीजिए, खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अपने पास हर दम इस औषधि को रखिए, और ज़रूरी नहीं आप बाज़ार से ख़रीदें, आप घर में भी तो बना सकते हैं इसे। ऐसी चीज़ें देखिए, कपूर हो लेना है 10 ग्राम, पुदीना का सत लेना है 10 ग्राम, अजवाइन का सत लेना है 10 ग्राम, नीलगिरी का तेल है तो, तुलसी है वो डाल लीजिए, और बस एक शीशी में भरिए, कांच की शीशी, प्लास्टिक नहीं, आप कोशिश करें कांच की शीशी में भर के थोड़ी देर रखिए, उसी वक्त उसमें कपूर मिल जाएगा और पूरी दवाई तैयार हो जाएगी। तो आपके लिए इस औषधि को बनाना बहुत सरल है, आप अपनी दवाई स्वयं बना सकते हैं, और इस दवाई को लेने में भी कुछ दिक्कत नहीं है। आप पानी में लीजिए, छाले हो रहे हैं मुंह में,
डाल लीजिए, टॉन्सिल्स हो रहे हैं गरारे कर लीजिए, पी जाइए अंदर गर्म पानी में। हाँ, ततैये ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, बिजड़ ने काट लिया, कोई जहरीला जानवर आपको काट गया है, दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, बिच्छू ने काट लिया, कोई भी आपको जानवर काट गया है जहरीला, तो रोना धोना नहीं है। उसी वक्त काटी हुई जगह पे हमने धरा की बूंद छिड़की और उसको फोए से, फोए में भर के भी लगा सकते हैं, और उसी वक्त आपको उस जानवर का जहर हटा देगी ये, और लाभ आपको महसूस होने लग जाएगा, आपको दर्द से राहत मिल जाएगी, सूजन से राहत मिल जाएगी, और जोड़ों में दर्द है, चलते वक्त कहीं सूजन आ गई है, चोट लग गई है, कट फट गया है, खून आ रहे हैं, जख्म बन गया है, चलते चलते कहीं किसी चीज़ से झरेट लग गई है, फौरन रुई में भरिए और इसको लगाइए। इसका एक लेप, ये अंदर भी लेप लगाती है और बाहर भी लेप लगाती है, इसमें ये है अमृतधारा में, लेने में तो लगेगा बड़ी तेज़ है, बड़ी तेज़ है, लेकिन ये बिल्कुल तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप जख्म पे अमृतधारा लगाइए, खून बंद, उसी समय सूजन आ गई है, कटाफटा नहीं है और केवल सूजन आ गई है, तब भी आप अमृतधारा लगाइए ना, लगाकर तो देखिए, मेरी बात मानिए तो सही, सारा मुंह आपका छालों से भर जाता है, तो बहुत अच्छी औषधि है। उसी वक्त आप इसमें ग्लिसरीन के साथ लगा लीजिए, तेज लगती है तो नहीं, प्योर, मैं तो प्योर ही डाल लेती हूँ, मुझे तो उसी वक्त आराम पड़ जाता है। तो आप इसको अपना दोस्त बनाइए ना, हम तो चीज़ें घर में रखी हैं और लेना नहीं जानते, खासकर मैं उन गृहणियों से इस चीज़ के एक उनको सलाह देना चाहूँगी, जागरूक हो, घरेलू औषधियों के प्रति जागरूक हो, फटाफट जरा सा कुछ होता है डॉक्टर की तरफ भागते हैं, एलोपैथी दवाई लेंगे, क्यों, किस लिए, घर में जब हमारे इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ बरसों से रहती आई, पुराने ज़माने से, अब क्या हो गया भाई, दुकानों में मिल रही हैं, आप स्वयं नहीं बना पाते हैं तो मेडिकल स्टोर से ले आइए। अमृत धारा की शीशी हर बंदे के पास अपनी अलग होनी चाहिए, खाना नहीं हजम हो रहा, चक्कर आ रहे हैं टाइम पे, जी घबरा रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो 5-7 बूंद डाली और ले ली, लेते ही राहत मिल जाएगी, अंदर जाके ये कोई भी अंदर जो हमारा अंग बिगड़ रहा है, अंदर सूज रहा है, या कोई उसमें परेशानी है, या खाना कहीं अटक गया है और उसकी कहीं रोक हो गई है और वो हट नहीं रहा है, हमने कुछ ऐसा ज़्यादा चिपकने वाला खाना खा लिया है, तो अमृत धारा अंदर जाके अपना प्रभाव दिखाएगी और उस गंदगी को, उस जहर को फौरन निकालने की कोशिश करेगी, आपको उसी समय ढकार आएगी, उसी समय राहत मिलेगी, और आप उस बीमारी से जिससे बहुत बुरी तरह परेशान हो रहे हैं, आपकी परेशानी से आपको मिनटों में छुटकारा दे देगी। और एक बार के लेने से दस्त नहीं रुक रहे हैं, 10 मिनट बाद फिर ले लीजिए, फिर वही 8-10 बूंद, फिर 10 मिनट बाद लेते रहिए, पीछा ना छोड़िए, जब तक आपको दस्त आए जा रहे हैं पानी से दस्त, 10-10 मिनट में आप अमृत धारा लीजिए और ऊपर से किसी चीज़ का सेवन ना कीजिए, खाली पेट है या खा रखा है जो भी है, अमृत धारा 10-10 मिनट में आप लेंगे तो आपके दस्त, कैसे भी दस्त हो, हैजा हो रहा हो, उस हैजे को अमृत धारा घर में ही ठीक कर देती है, आजमा के तो देखें, हम आजमाते ही नहीं हैं, हम तो फटाफट घबरा जाते हैं, चलो भाई चढ़ाओ ग्लूकोज, और ग्लूकोज चढ़वाए जा रहे हैं, अंदर से मरोड़े उठे जा रहे हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लिए जा रहे हैं, और 3-4 दिन एडमिट रह के पूरा बिल डॉक्टर का भर के अच्छा वाला, तब हम घर आते हैं, और अमृत धारा जो है एक भी पैसा नहीं लगवाती हमारा,
आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की, अमृत धारा को अपना दोस्त बनाइए, वो हर पल हर क्षण सहायता करेगी आपकी। उसका सेवन कीजिए, बच्चों को भी करवाइए, 1 साल का बच्चा है, 1 बूंद गर्म पानी में मिला के दे सकते हैं, चीनी में मिला के दे सकते हैं, पताशे में मिला के उसको दांत आ गए हैं तो चबा सकते हैं, और 1 साल से छोटा बच्चा है तो 1 बूंद पानी में मिला के उसका आधा बच्चे को दे दीजिए चम्मच से। कैसा ही पेट का दर्द हो, अफारा आपको आ गया है, अफारा किसी तरह भी ठीक नहीं हो रहा है पेट में और आप भयंकर दर्द से परेशान हैं, बड़े आदमी को 8-10 बूंद, बच्चे को 4-5 बूंद और छोटे बच्चों को 1 ही बूंद काफ़ी है, पानी में मिलाकर दे दीजिए, पताशे में मिलाकर दे दीजिए, अफारा उसी समय आपको अफारे से छुटकारा मिल जाएगा। तो जोड़ों में दर्द है लगा लीजिए, ये एक ऐसी औषधि है आप बाहर भी लगा सकते हैं अपने और खा भी सकते हैं, केवल एक खाने की नहीं है, खाना और लगाना दोनों काम, दर्द से राहत देगी, जोड़ों में आपके अटकाव हो रहा है, कहीं चलने में दिक्कत आ रही है, सूजन है, किसी भी जानवर ततैया मक्खी बिच्छू कोई भी जहरीला जानवर काट लेता है तभी अमृत धारा आपके एकदम फौरन असर करेगी। आप अमृत धारा को अपना दोस्त बनाइए, अपने घर में लाइए, घर में बनाइए, आप बना भी तो सकते हैं, अमृत धारा को बनाइए और नहीं बना पाते हैं तो ले आइए, लेकिन अमृत धारा आप अपने घर में जरूर रखें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अमृत धारा हमेशा आपके लिए तत्पर है। आप उसको लेना और रखना अपने घर में, फिर से याद करके सीखिए, ले आइए अपने घर, मेरे कहने से लाइए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप फिटकड़ी भी अपने घर में रखिए, अमृत धारा भी अपने घर में रखिए। और इसके साथ साथ सुहागा भी एक औषधि है, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपसे उसकी चर्चा करूँगी, तो अगली बार सुहागा को लेके आपके सामने आऊँगी। अब अमृत धारा आपके लिए लेके आई हूँ, आपको इसके लाभ आप लेके देखिए और इसके लाभ का जो लाभ मिले हैं उसका मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं, मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, तो आप बताइए आपको कितना लाभ हुआ। धन्यवाद।